हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपसे डिफरेंस बिटवीन न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन का अंतर क्या है और न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूरोलॉजिस्ट किसे कहते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड जितने भी बीमारी है उसका इलाज करते हैं मेडिसिन के द्वारा। तो न्यूरोलॉजिस्ट को न्यूरोमेडिसिन के डॉक्टर या न्यूरोफिजिशियन भी बोला जाता है, दोनों एक ही है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जितने भी कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो उसका डील करते हैं, जैसे कि या इलाज करते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी, हेडेक, एमएस, अल्जाइमर डिजीज, नर्व डिसऑर्डर, वीकनेस, पैरालिसिस, तो इस तरह के जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनका इलाज करते हैं मेडिसिन के द्वारा। और न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो हमारे कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो या सर्जरी के द्वारा हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज करते हैं, जैसे कि ब्रेन इंजरीज, ब्रेन ट्यूमर्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्रॉमा, स्ट्रोक और भी बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो तो सर्जरी के द्वारा हमारे बीमारी का इलाज करते हैं। तो न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों ही न्यूरोलॉजिस्ट है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो है मेडिसिन के द्वारा इलाज करते हैं और जो न्यूरोसर्जन होते हैं वो सर्जरी के द्वारा हमारे बीमारी का इलाज करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का सिम्टम दिखाई दे तो अगर हम लोग डिफरेंस जानेंगे तो हम डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं। तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।